सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, क्यों सोच करे पागल मनवा। राजेश्वरानंद जी महाराज इन लाइनों को गाया करते, क्यों सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्यों सोच करे पागल मनवा। क्यों सोच करे, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, इच्छाएं कभी हुई पूरी कहीं। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए कुछ कमियां भी रह जाएं जिंदगी में तो अफसोस मत करो। जो मिला है इसमें क्या रहना है माताओं बोलो, प्रसन्न। दूसरे को देख के प्रतिस्पर्धा मत करो, उस पर तो इतना है, उसने तो ऐसा पहन रखा, उसने तो ऐसा जीवन जिया, उसके पास तो ये है, और फिर लड़ पड़ी झगड़ा करने पति देव को कि 10,000 की साड़ी पहन के गई थी कथा में पड़ोसन, तुमने ला कर दी। बोलो, मत किसी से प्रतिस्पर्धा, जो है उसमें आनंद से रहो। यही कह रहे हैं आज आत्मदेव को, भैया घर जाओ और जो है सो खुश रहो, उसमें 7 जन्म भी मर जाओगे तो भी सुख नहीं मिलेगा, कब तक मरोगे। लेकिन इसने बात नहीं मानी, हट करने लगा। हट मत करिए कभी संतों से, हट करके पैर पकड़ लिया, पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कुछ दे नहीं देते, अब तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक कोई आशीर्वाद कोई फल नहीं देते। साधुओं ने, अब साधु तो साधु होते, सहज भाव होता है, ना किसी से प्रीति है और ना किसी से कोई वैर होता है, वो सबके लिए रमण करते हैं, सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सबके लिए हितैषी और कल्याणकारी होते हैं। तो साधुओं का स्वभाव ही है देना। तो एक फल दे दिया और कहा, इसको आपकी पत्नी अगर खाएगी तो सौभाग्यशाली संतान होगी आपके घर में।